हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों के साथ आज मैं शेयर करने वाली हूँ ऐसी एक रेमेडी जो आपकी स्किन में होने वाला टैन या ब्लेमिशेस या आपके स्किन में होने वाला एक्ने के मार्क्स हो या आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड हो गए हैं, आपके स्किन में एजिंग के साइन आ गए हैं, वो सारे मिटा देगा और आपको एक फ्लॉलेस, एक ब्यूटीफुल रेडियंट ग्लो वाला स्किन प्रोवाइड करेगा। रेमेडी के तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग पहली बार इस चैनल पर विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस रेमेडी को। इस रेमेडी के लिए हमें चाहिए कॉफ़ी पाउडर। कॉफ़ी पाउडर हमारी स्किन को ब्राइटन करते हैं, लाइटन करते हैं, हमारी स्किन कम्प्लेक्शन को बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस करते हैं। तो मैंने यहाँ पे ऐड किया है 1 टीस्पून कॉफ़ी पाउडर। उसके साथ मैंने अभी लिया है चीनी, चीनी मैंने लिया है 1/2 टीस्पून। उसके साथ अभी जो चाहिए वो है बेसन, बेसन मैंने 1 टेबलस्पून लिया है। और उसके साथ मैं दही लूँगी 1/2 टीस्पून। ये सारे इंग्रेडिएंट को हमें बहुत अच्छे से मिक्स करना है। बहुत अच्छे से मिक्स करने के बाद ये हमारा एक इंस्टेंट ग्लोइंग फेस पैक बन के रेडी हो जाएगा। बेसन हमारे स्किन के ऊपर से जो हमारे डेड सेल के लेयर होते हैं उसको हटा देगा, हमारे स्किन को पॉलिश करेगा। उसके साथ साथ बेसन हमारे स्किन कम्प्लेक्शन को ब्राइटन भी करता है। उसके साथ मैंने यहाँ पे यूज़ किया है कॉफ़ी पाउडर जो हमारे कम्प्लेक्शन को ब्राइटन करते हैं, लाइटन करते हैं, हमारे स्किन के ऊपर किसी भी तरह के डार्क स्पॉट हो या ब्लेमिशेस हो या सन टैन हो उसको हटाता है, हमारे स्किन में ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ाता है, हमारे स्किन कम्प्लेक्शन को ब्राइटन करते हैं, इससे हमारी स्किन बहुत ही ज़्यादा फेयर दिखती है। चीनी यूज़ किया है इस पैक में। चीनी होती है नेचुरल हिमबक्टिन जो हमारी स्किन में एक नेचुरल मॉइस्चराइजर का काम करता है। उसके साथ मैंने यहाँ पे यूज़ किया है दही, इसके साथ यूज़ किया है दही। दही में होती है लैक्टिक एसिड जो हमारे स्किन को ब्राइटन करते हैं, लाइटन करते हैं, उसके साथ साथ हमारे स्किन में जो एजिंग के साइन आ जाते हैं उसको कम करते हैं। उसी के साथ लैक्टिक एसिड होने की वजह से हमारे स्किन को ब्राइटन भी करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने पूरे फेस में इस पैक का अप्लाई कर लिया है। ऐसे ही आप लोगों को फेस पैक का अप्लाई करना है। कोई भी रेमेडी या फेस पैक अप्लाई करने से पहले आप लोग पहले कान के पीछे इसको लगा के पैच टेस्ट जरूर कर लीजिएगा। सबका स्किन एक जैसा नहीं होता है, सबके स्किन में सबको सूट भी नहीं करता है। अगर आप लोगों को दही से या बेसन से या कॉफ़ी से एलर्जी है तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये रेमेडी आप लोगों के लिए नहीं है। इसलिए आप लोग पैच टेस्ट कीजिए और उसके बाद अप्लाई कीजिए। इसको ऑल ओवर फेस में अप्लाई करने के बाद आप लोगों को 15 मिनट तक इसको रख देना है। उसके बाद हाथों में थोड़ा सा पानी लीजिए और हल्के हाथों से जेंटली मसाज कीजिए 1 से 2 मिनट तक। एंड उसके बाद एक वेट टिश्यू लीजिए और फेस पैक को वाइप आउट कीजिए। उसके बाद नॉर्मल प्लेन वाटर से आप लोग फेस को धो लीजिए और धोने के बाद आप लोग के पास जो भी मॉइस्चराइजर है वो अप्लाई कर लीजिएगा। अगर दिन के टाइम में आप लोग इस रेमेडी को करते हैं तो आप लोग सनस्क्रीन का यूज जरूर कीजिएगा। जब भी आप लोग पैक को वाइप आउट करेंगे तब भी आप लोग देखेंगे कि आपकी स्किन कितना ज़्यादा ब्राइटन हो गई है, जो फर्क है आप लोगों को तुरंत दिखेगा। इस फेस पैक को आप लोगों को हफ्ते में 2 दिन जरूर ट्राई करना है। अगर आप लोग ट्राई करते हैं तो इतनी गर्मी में भी आपके स्किन में कभी भी टैन नहीं रहेंगे। और अब प्रिपेयर करेंगे एक मॉइस्चराइजर का। इस मॉइस्चराइजर को हम लोग इसलिए यूज करेंगे ताकि हमारी स्किन पूरी रात भर हीलिंग होता रहे, हमारी स्किन बहुत अच्छे से हील हो जाए, उसके साथ साथ हमारी स्किन में जितने भी न्यूट्रिशन चाहिए वो मिल जाए। इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है एक बोल में 3 टीस्पून लिया है एलोवेरा जेल का। उसके साथ मैंने लिया है 1/2 टीस्पून ग्लिसरीन। उसके साथ मैंने ऐड किया है 1/2 टीस्पून आमंड ऑयल। एंड उसके साथ मैं मिलाऊंगी अब 2 एवियन 400 कैप्सूल। ये सारे इंग्रेडिएंट को मिक्स करने के बाद ये रेडी हो जाएगा हमारा एक नाइट मॉइस्चराइजर। इस मॉइस्चराइजर को अप्लाई करना है एवरी डे नाइट टाइम में। इस क्रीम को जब भी आप लोग अप्लाई करेंगे 2 या 3 दिन के बाद ही आप लोगों को फर्क दिखेगा। हम लोग जितने भी महंगे महंगे कॉस्मेटिक्स खरीदते हैं या नाइट क्रीम खरीदते हैं उस सारे में होते हैं ग्लिसरीन जो हमने यहाँ पे यूज किया है, स्वीट आमंड ऑयल जो हमारी स्किन को बहुत ही अच्छे से ब्राइटन करते हैं, लाइटन करते हैं, वो हमने यहाँ पे ऐड किया है। एलोवेरा जेल ऑल टाइम हमारी स्किन को सूदिंग करते हैं, हमारी स्किन को हाइड्रेशन देती है। एंड उसके साथ इवियन कैप्सूल हमने यूज किया है जो अगेन हमारी स्किन को ब्राइटन करते हैं। तो इस रेमेडी को जरूर ट्राई कीजिएगा, इस फेस पैक को एंड इस नाइट क्रीम को। रेमेडी को यूज़ कीजिएगा और यूज़ करने के बाद मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों को रेमेडी कैसा लगा है। मिलती हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।